1 फरवरी 2024 का दिन सभी के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस तारीख पर अंतरिम बजट पेश होगा और इसे पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बजट से सभी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। टैक्स पेयर्स को बजट 2024 से बहुत आस है। मोदी सरकार की टैक्स पेयर्स को गारंटी है। ऐसे में हर कोई कयास लगा रहा है कि इस बार बजट के पिटारे में करदाताओं के लिए क्या खास रहेगा। लोगों के मन में सवाल है कि क्या उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छूट मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव होगा या टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ेगी या एनपीएस पर डिस्काउंट बढ़ेगा। इसी तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। moneycontrol.com के मुताबिक सूत्रों का तो यही कहना है कि हो सकता है टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 तक कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार करदाताओं को थोड़ी राहत देने वाली है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक कोई कर नहीं चुकाना होता। अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 7.5 लाख तक कर सकती है। इसके साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार महिलाओं को अलग टैक्स स्लैब भी दे सकती है, जिसके तहत हो सकता है कि उन्हें 8 लाख तक की लिमिट मिले। जानकारी के लिए बता दें कि करीब 12 साल पहले तक भारत में महिलाओं के लिए एक अलग टैक्स स्लैब था, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम टैक्स पे करती थी। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से महिलाओं और पुरुषों के लिए टैक्स स्लैब सेम हो गया था। अब महिला टैक्स पेयर्स यही उम्मीद जता रही हैं कि हो सकता है इस बार सेपरेट टैक्स स्लैब बन जाए। दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। बता दें कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इसके बाद साल 2024 में ही लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके बाद ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सरकार इस बार नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा करे। सरकार की कोशिश रहेगी कि लोगों का झुकाव न्यू टैक्स रिजीम की ओर और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। संसद के संक्षिप्त बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2024 से हो चुकी है। संसद में राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण दिया। ये सत्र 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। बता दें कि ये सत्र भी लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है। बजट सेशन से पहले केंद्रीय सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। अब 1 फरवरी यानी गुरुवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आम चुनाव इसी साल अप्रैल या मई में होंगे और फिर आएगा पूर्ण बजट। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।